सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं सिमरन फैक्ट न्यूज़ बॉलीवुड चिंगार दिवेश द्वारा स्वागत करती है। दोस्तों, गल करिए मनोज बाजपाई की, तो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में एक मने जाते हैं। वैल, उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने लिए बहुत ही लंबा स्ट्रगल किया है। तो अज असी तुहानू इस वीडियो दे विच दसांगे कि उन्होंने स्ट्रगलिंग डेज किस तरह के रहे। तो आओ तुहाडे नाल सांझा करदे आं उन्होंने स्ट्रगलिंग डेज की एक खास स्टोरी। मनोज वाजपाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के सब तो वधिया सितारियां विचों एक ने, जो अपनी अदाकारी दे नाल हर किरदार नूं जिंदा कर देंदे ने। अज भावें ओह बहुत मशहूर ने अते वड्डे वड्डे फिल्मकार उन्हां नाल काम करना चाहुंदे ने, पर मनोज वाजपाई ने इत्थे तक पहुंचण लई काफ़ी कड़ी मेहनत की। एक इंटरव्यू दौरान मनोज पाई ने दस्या सी कि वह एक चौल दे विच रहिंदे सन, पर एक बार जदों वह 6 महीनों बाद अपने चौल विच वापस आए तो देखिया कि उत्थे 10 लोग इकट्ठे सो रहे सन। एक इंटरव्यू दौरान मनोज बाजपाई ने अपने संघर्ष के दिनों नूं याद किया जदों वह मुंबई के चौल इलाके विच रहिंदे सन। उन्हां दस्या उन्हां दिनां च निराशा हुंदी सी क्योंकि उन्हां नूं काम नहीं मिल रहा सी, पर चंगी गल ए सी कि असी सारे दोस्त एक दूजे नूं मिलदे सी, बैठ के गल्लां करदे सी, कुछ पढ़दे रहिंदे सी, कुछ प्रैक्टिस करदे रहिंदे सी। मैं सारा दिन बिजी रहिंदा सी। मनोज वाजपाई ने अगे कहा, मैं 2 लोगों दे नाल एक चौल विच रहिंदा सी। एक बार अजिहा की होया कि जदों वह 6 महीने बाद वापिस आए उस चौल दे विच तो उन्होंने देखा कि चौल च 10 लोग सुते पए सन। उन्हां विचों एक तिगमांशु धूलिया भी सन, विकटर मतलब विजय आचार्या, जिन्हां ने धूम बनाई सी। ये सारे लोग उत्थे ही खांदे पींदे ते सोंदे सन। मनोज वाजपाई ने राम गोपाल वर्मा की सत्या विच भीकू महात्रे का रोल किया सी, जिसने उन्होंने रातों रात स्टार बना दिता। इस फिल्म कारण मनोज वाजपाई नू सर्वोत्तम सहायक अदाकार का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिलिया। इस नाल ही उन्होंने बेस्ट अदाकारी का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड नाल भी सम्मानित किया गया। वर्क फ्रंट की गल करिए मनोज वाजपाई जल्द ही फिल्म गुलमोहर च नजर आएंगे। ये एक परिवारिक ड्रामा फिल्म होगी जो कि 3 मार्च 2023 को OTT प्लेटफॉर्म से स्क्रीन करेगी। इस तो अलावा फैंस मनोज वाजपाई की वैब सीरीज़ द फैमिली मैन 3 का रिलीजिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं।